పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ల మోత కంటిన్యూ అవుతోంది. ఇవాళ కూడా రేట్లు మళ్లీ పెరిగాయి. లీటర్ పెట్రోల్ పై 25 పైసలు, డీజిల్ పై 28 పైసలు పెంచాయి ఆయిల్ కంపెనీలు. నెల రోజుల్లో ఏకంగా 22 సార్లు ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్ లో లీటర్ పెట్రోల్ రేటు సెంచరీకి దగ్గరైంది. పెరిగిన ధరలతో హైదరాబాద్ లో లీటర్ పెట్రోల్ 99 రూపాయల 31 పైసలకు పెరిగింది. ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర 95 రూపాయల 56 పైసలకు చేరింది. जिस तरह से महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अकेले पेट्रोल डीजल के दाम से केवल पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ते हैं, अपितु बहुत सारे उत्पादन और बहुत सारे माल वाहक इन सब के भाड़ा बढ़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। हमें लगता है कि ये कोरोना महामारी जो एक ऐसा समय है जिस समय आदमी अपने व्यापार से भी परेशान है, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है, सरकारों को चाहिए कि इस समय कुछ युक्तियुक्त तरीके से जो चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है उस पर कैसे कम किया जा सकता है। बहुत असर पड़ गया था महंगाई की वजह से, तो क्या पेट्रोल के रेट बढ़ गए, लॉकडाउन लग गया, अब डे और इवन जो खोल रहे हैं उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुकानदारी तो ठप हो गई, जो हमारी शादियों की सीजन थी पूरी की पूरी खत्म हो गई, अब आगे बारिश आ जाएंगी, धंधा वैसे ही बैठा हुआ है और बैठ जाएगा। कारण महंगाई की सबसे ज़्यादा मेन तो महंगाई का माना जाता है, दूसरा जो अपने देश की सरकार है वो तरीके में काम कर नहीं रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने टाइम पे किया नहीं, जो टाइम पे ऑक्सीजन लोगों को देनी चाहिए थी वो दी नहीं, कई समस्याएं आए देश के अंदर जो चल रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, उसकी वजह से माल भाड़ा बढ़ गया, हमारे आइटम के रेट बढ़ गए, जो चीज़ हमारी 100 रुपये की आती थी वो आज हमारी 125 रुपये की 150 रुपये की चीज़ खरीद आ रही है। देखिए, पिछले 2 साल से जब से कोविड आया है लोगों के प्रतिष्ठान और व्यापार पर इसका सीधा असर देखने को मिला है, और महंगाई का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खाद्य पदार्थ की बात करें, रिफाइंड या सरसों का तेल जो हमारे डेली यूज में आता है, उसकी महंगाई दर एकदम से अचानक से बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का हम लोग भाव देख ही रहे हैं। तो सरकार को इस तरह के ठोस नियम बनाने चाहिए कि इस जो महंगाई बढ़ रही है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा कम किया जाए और लोगों को इससे